नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सब अपने ज़िंदगी में पूरी तरह खुश हैं? मेरे सवाल का सही से सुन के जवाब दीजिएगा, पूरी तरह खुश हैं? नहीं ना? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आजकल कोई ना कोई इंसान या हर कोई इंसान किसी ना किसी परेशानी का सामना ज़रूर कर रहा है, और वो ऐसी परेशानी जिसे वो किसी से भी जाहिर नहीं कर सकता, किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहा है, अपनी बात, अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने ये परेशानी किसी को बताई तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे हल नहीं करेंगे या मेरे घर की बदनामी करेंगे। सबसे बड़ा ये जो डर है हमारे मन में, ये हमें हमारी परेशानियों में डूबा रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हम आपके दर्द को, आपके डर को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जो आपकी सारी परेशानियों का हल है, और वो है वशीकरण। जी हाँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वशीकरण अपने नाम के अनुसार कार्य करता है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि सही तरीके से इसे पूरा किया जाए। कई बार लोग अधूरी जानकारी से वशीकरण का प्रयोग करते हैं और असफल हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए वशीकरण का एक ऐसा टोटका लेकर आई हूँ जिसे अगर आप अपना लिया, जिसे अगर आपने सही तरीके से अपना लिया, तो आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। चाहे कोई लड़का है, लड़की है, या आपका कोई पड़ोसी है, किसी को भी आप बड़ी आसानी से अपने कदमों में गिरा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, अपने कहे अनुसार चला सकते हैं। जी हाँ, ऐसा होगा, लेकिन कब होगा? जब आप ये तरीका, ये विधि आप सही तरीके से अपनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इस विधि को अपनाकर, एक सरल विधि को अपनाकर अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ताकत आती है जब सामने वाला आपकी ही बात सुनता है। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस विधि को सही तरीके से अपनाइए। आइए, बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी सामग्री है जिसके द्वारा किया गया वशीकरण सफल वशीकरण होता है, प्रचंड वशीकरण होता है, और वो है पीपल के पत्ते। दोस्तों, पीपल के अंदर बहुत ही शक्तियाँ होती हैं, बहुत ताकत होती है। अगर उसके पत्तों के प्रयोग से हम कोई विधि करते हैं तो वो विधि प्रचंड विधि अपने आप में ही बन जाती है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा होता है एक सिद्ध मंत्र। एक सिद्ध मंत्र जब पीपल के पत्तों के साथ प्रयोग किया जाता है तो वो विधि इतनी प्रचंड हो जाती है कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलवी उसे कभी काट नहीं सकता। लेकिन कब? जब तरीका सही हो। तो आज वो ही सही तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको इसके लिए क्या आवश्यकता है? आपको आवश्यकता है 2 पीपल के पत्तों की। आपको इस विधि को करने के लिए 2 पीपल के साबुत पत्ते चाहिए। ध्यान रखिएगा, पत्ते साबुत होने चाहिए। और एक खास बात, ये पत्ते आपको तोड़ के नहीं लाने, आपको ये पत्ते किसी से तुड़वाने हैं। किसी भी बहाने से, कुछ भी कह के आपको 2 पीपल के पत्ते किसी व्यक्ति से या किसी से भी आप तुड़वा के ले सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, किसी से भी आपको पीपल का पेड़ दिखता है, किसी अनजान व्यक्ति से भी आप कह देंगे कि मुझे ये पत्ते तोड़ दो, किसी भी बहाने से वो तुड़वा के जब आप लाएंगे तो उसका कार्य जो करेंगे आप, उस पत्तों पर जो वशीकरण आप करेंगे वो बहुत ही प्रचंड हो जाता है। अपने आप से, खुद से कभी भी पीपल के पत्ते मत तोड़िएगा। और ये विधि आपको अमावस्या के दिन करनी है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो विधि होती है वो प्रचंड रूप ले लेती है। आइए बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपको 2 पीपल के पत्ते और एक ब्लैक मार्कर की आवश्यकता होगी। बस इतनी ही सामग्री से आप इस विधि को इतना प्रचंड बना देंगे कि आप देखेंगे कि क्या ये मेरा ही करा हुआ है, क्या ये किसी मौलवी, किसी तांत्रिक, किसी बड़े विख्यात गुरु का तो नहीं करा हुआ, ये आपका ही करा होगा जो इतना प्रचंड हो जाएगा। आइए बताते हैं कैसे। आपको 2 पीपल के पत्ते लेने हैं और इसके ऊपर ब्लैक मार्कर से नाम लिखना है, उसका एक पत्ते पर उसका नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम है सपना। तो हमने इस तरह से नाम लिख दिया सपना, और दूसरे पत्ते पर आपने अपना नाम लिखना है स्वयं का। मान लीजिए आपका नाम है दीपक।
तो आपने इस तरह सपना और दीपक लिखकर इन दोनों पत्तों को एक साथ रखना है और इसे रोल करना है इस तरह। ध्यान रहे पत्ते साबुत होने चाहिए। इस तरह से आपको ये रोल करना है और इसे हाथ में इस तरह रखकर मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि और आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। ध्यान इस हद तक कीजिएगा जब आप अपनी आंखें बंद करें तो उस व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों के सामने हो और उस समय आपको मंत्रोच्चारण करना है। मंत्रोच्चारण करने के बाद ये जो पत्ते हैं इसे आप जला दीजिएगा। जी हाँ, इसे आपको जला देना है और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी मांगना है। ऐसा करने पर सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। जिसके लिए उपाय किया गया है वो उपाय आपके वश में हो जाएगा। इस क्रिया को करते समय कोई संदेह नहीं रखना कि ये क्रिया होगी या नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई शक नहीं रखना। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना मन साफ रखना है। साफ मन, सच्चे मन के साथ जब आप इस विधि को करेंगे तो ये विधि बहुत ही प्रचंड विधि बन जाएगी। ये मंत्र जो है वो बहुत ही सिद्ध मंत्र होते हैं। ये मंत्र आम मंत्र नहीं होते कि किसी को भी बता दिया जाए। इसलिए ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके गुरुजी से प्राप्त करना होगा। जी हाँ, हमारे गुरुजी आपको जो सिद्ध मंत्र बताएंगे वो इतना प्रचंड होगा कि उसे करने से आपका हर कार्य पूर्ण हो जाएगा। कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जो असफल रह जाए। लेकिन कब? जब आप गुरुजी को फ़ोन करके मंत्र प्राप्त करेंगे। क्योंकि मंत्र जो है दोस्तों वो सबकी राशि और ग्रह के हिसाब से अलग अलग होता है। आपकी राशि के हिसाब से अलग मंत्र होगा, किसी और की राशि के हिसाब से अलग मंत्र होगा। क्योंकि राशि का जो मंत्र होता है उसका असर 100% होता ही होता है। तो बिना समय बर्बाद करे राशि वाला मंत्र लीजिए, उसका असर हो और आप अपना कार्य सिद्ध कीजिए। कोई और भी परेशानी है जिससे आप काफ़ी समय से परेशान हैं तो बिना समय बर्बाद करे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। तो बिना समय बर्बाद करे गुरुजी से अपनी समस्या का समाधान लें, अपनी परेशानियों का घर बैठे हल लें। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस पे आपको फ़ोन करना है और आपको अपनी हर परेशानियों का हल घर बैठे ही मिल जाएगा। तो अपने आप को परेशानियों में मत जगड़िए, हल प्राप्त कीजिए और अपने आप को खुश रखिए। जय माता दी।